हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंक पटेल और आपका मेरी चैनल डेपल शॉर्ट में स्वागत है। आज हम पार्ट नंबर 8 पाइथन का अपलोड करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम स्ट्रिंग के बारे में समझेंगे, स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है, उसके फंक्शंस क्या है, वर्किंग क्या है, वो सब हम समझेंगे। हमने पार्ट नंबर 7 में लास्ट में स्ट्रिंग के बारे में स्टार्ट किया था, बट ये वीडियो ज़्यादा हो जाता इसलिए हमने पार्ट नंबर 8 के अंदर स्ट्रिंग का चैप्टर ले लिया। ओके, तो आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो यहाँ पे राइट साइड नीचे बटन आता है रेड कलर का, और साथ में एक बेल आइकन आता है उसको भी दबा देना। और ये वीडियो मेरा अंत तक देखना, और आपको पसंद आए तो लाइक ठोक देना और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स में शेयर करना। ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 8 पाइथन। तो स्ट्रिंग फंक्शन में हम पहले देखेंगे उसको कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है, स्ट्रिंग लिटरल क्या है, बराबर उसका वेरिएबल कैसे वर्क करता है, उसको एक्सेस कैसे करना है, वो सब हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर देखेंगे। तो स्ट्रिंग लेटर्स, तो रेगुलरली आप प्रिंट के अंदर, डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करते हो जो भी एज अ स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं। तो वो कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है, वो हमने बहुत बार इसके अंदर काम किया हुआ है, तब भी हम इसके अंदर एक डेमो देखेंगे। तो हमारे पास एक विजन स्टूडियो कोड का एक फोल्डर था, या पाइथन प्रैक्टिकल का फोल्डर था, ये रहा पाइथन प्रैक्टिकल, बराबर उसको मैंने ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, जो अभी मिल नहीं रहा है, पाइथन प्रैक्ट ये रहा, बराबर अब इसको मैंने ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, राइट क्लिक किया और ओपन विथ कोड। चलो अब यहाँ पे मैंने एक नई फाइल ले ली और प्रैक्ट 2, आप नया फोल्डर बना के भी काम कर सकते हो। ओके, चलो अब इसके अंदर सिंपल हम लिखते हैं ऐसे प्रिंट ओपन क्लोज और डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं हेलो पाइथन, बराबर, और जो ये डिक्लेयर किया हमने वो होता है स्ट्रिंग लिटरल। जो डबल कोट्स के अंदर डिक्लेयर किया उसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, और आप डबल कोट्स के अंदर भी प्रिंट कर सकते हो और सिंगल कोट्स के अंदर भी काम कर सकते हो, बराबर। स्ट्रिंग लिटरल आप सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर भी लिख सकते हो, बराबर पाइथन 2। ओके, अब उसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ से हम टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल, और वो टर्मिनल यहाँ से ओपन करके एक बार एंटर दे दो। अब इसके बाद पाइथन कमांड, बाद में prac2.py, और जैसे मैंने एंटर किया तो दोनों प्रिंट हो गए, मतलब डबल कोट्स वाला लिटरल भी प्रिंट हो गया और सिंगल कोड वाला भी लिटरल प्रिंट हो चुका है। तो ये था हमारा पहला स्ट्रिंग लिटरल्स, बराबर हैज स्ट्रिंग लिटरल। ओके, स्पेलिंग गलत है, बराबर। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है, तो जो भी डेराइव है इंटीजर है तो उसमें भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है, ऐसे ही उस तरह आप इसमें भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल में वेरिएबल का नाम ले लिया नेम इज इक्वल टू, मैंने डबल कोट्स में लिखा प्रियंक पटेल, और ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। अब उसको मुझे प्रिंट करना है तो डायरेक्ट मैंने प्रिंट और ओपन क्लोज और नेम सेव किया फाइल, यहाँ पे मैंने CLS करके क्लियर कर दिया, बराबर CLS करके, और वापस प्रैक्टिकल 2 फाइल रन की। यहाँ पे आ गया प्रियंक पटेल, कहाँ पे लिखा था मैंने एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल को मैंने प्रिंट किया। ये सिंपल था, मतलब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, बराबर हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट है मल्टीलाइन स्ट्रिंग। मल्टीलाइन स्ट्रिंग का मतलब होता है मल्टीलाइन के अंदर आप कैसे वर्क कर सकते हो। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया सेंटेंस इज इक्वल टू, मैंने डबल कोट्स, बट तीन बार डबल कोट्स और तीन बार डबल कोट्स खत्म किया, और इसके अंदर मैं जो लिखूं
वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है, हेलो माय नेम इज प्रियंक पटेल, आई एम फ्रॉम हिम्मतनगर, बराबर। तो ये हुआ हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मतलब आप डबल कोट में भी डिक्लेयर कर सकते हो और सिंगल कोट्स में भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जब हमने डबल कोट्स यूज किया है वो सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो। और यही वेरिएबल में प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट और ओपन क्लोज सेंटेंस, बराबर। वापिस यहाँ पे CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, और पाइथन प्रैक 2 आ गया। हेलो माय नेम इज, नीचे आया प्रियंक पटेल, आई एम फ्रॉम हिम्मतनगर, मतलब जब जब आप एंटर कर दो तो वो नई लाइन हो जाएगी। और उस तरह डबल कोट के अलावा आपने जो सिंगल कोट किया तो वो भी काम करेगा, बराबर। इसको मैंने निकाल दिया 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3 इसको निकालना पड़ेगा, बराबर। तो ये भी सिंगल कोट्स में भी काम करेगा, ओके आ गया। चलो CLS क्लियर स्क्रीन। नेक्स्ट, यहाँ पे स्ट्रिंग आर एरे, मतलब स्ट्रिंग एरे होती है कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे प्रियंक पटेल लिखा हुआ है, उसके अंदर से मुझे सिर्फ पी प्रिंट करना है, उसके अंदर से मुझे सिर्फ पी प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ कमेंट्स देके मल्टी लाइन कमेंट्स, बराबर। और यहाँ पे मैंने लिख लिया एरे, ओके चलो। तो एक वैल्यू प्रिंट करते हैं डायरेक्टली, तो प्रिंट मुझे पी प्रिंट करना है, तो वेरिएबल हमारा नेम है, बट उसके पीछे मैंने यहाँ ओपन क्लोज किया और जीरो लिख लिया। वापिस इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे ओनली पी आया, मतलब एरे होता है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जीरो पोजिशन, बाद में 1 पोजिशन, 2 3, ऐसे पोजिशन वाइज वैल्यू मिलती है आपको, बराबर। तो स्ट्रिंग एज अ एरे। नेक्स्ट स्लाइसिंग, मतलब आपको स्लाइसिंग करनी है, जैसे मुझे 2 नंबर से 5 नंबर के ही स्ट्रिंग चाहिए मुझे, तो आप यहाँ से स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे, तो यहाँ से मैंने वापस यहाँ पे लिख लिया स्लाइसिंग, ओके। तो प्रिंट नेम ऑफ, मुझे यहाँ पे 2:5, मतलब यहाँ से 2 नंबर से, मतलब 0 1 2, आई 2 3 4 एंड 5, इतनी वैल्यू मुझे मिलेगी IYAN, बराबर। CLS, चलो पहले CLS कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन। वापिस आ गया, IYA ही मिला, मतलब पांचवा नहीं मिलता है, सिर्फ 2 से 5 तक, 5 नहीं आएगा उसमें, ओके। तो ये स्लाइसिंग हो चुकी है। नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग दोगे तो उस तरह आउटपुट मिलेगा आपको, तो चलो नेगेटिव इंडेक्सिंग देते हैं, ओके। यहाँ पे प्रिंट नेम स्लैश, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट -5:-2, वापिस यहाँ पे मैंने रन कर लिया, तो क्या आया PAT, मतलब -5 से -2, तो यहाँ पे -5, 0 -1 -2 -3 and -4, और -5 एज अ स्पेस, तो यहाँ पे -5, तो यहाँ पे पी 4 आया, 4 से 2 तक, -2 तक, ओके। मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट वाली वैल्यू मिलती है, फर्स्ट वाली वैल्यू मिलती नहीं है, जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग आती है तो फर्स्ट वाली वैल्यू मिलती है, लास्ट वाली वैल्यू मिलती नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग लेंथ, मतलब आपने कितनी लेंथ लिखी हुई है वो फाइंड करके देगा, बराबर, ओके। तो यहां पे मैंने प्रिंट ओपन क्लोज और इसके अंदर लिख लिया len, और डायरेक्ट मैंने यहां पे लिख लिया नेम, तो इसके अंदर कितनी लेंथ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। CLS आ गया 13, मतलब यहाँ पे जो मैंने प्रियंक पटेल लिखा है वो 13 कैरेक्टर्स का है, बराबर। 3 3 6 और 7, 7 और 1 8, 8 5 13, मतलब 13 बता रहा है, हो गया, ओके। चलो तैयार, 13 बता रहा है वहाँ पे, ओके। चलो स्ट्रिंग मेथड, बहुत सारी मेथड्स है वो हम अलग से लेते हैं। पहले यहाँ पे चेक स्ट्रिंग करते हैं, तो चेक स्ट्रिंग में क्या है, तो फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू एच इन ए इट्स रिटन ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको स्ट्रिंग चेक करनी है तो कैसे करोगे,
तो आपको स्ट्रिंग के अंदर देख लिखना है सिर्फ n, ओके। तो यहां पे मैंने इन लिखना है चेक स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अंदर आपकी वैल्यू जो लिखी वो है, तो मैंने यहां पे लिख लिया सी एच के वेल इज इक्वल टू, एक वेरिएबल का नाम लिया, और यहां पे मैंने लिख लिया डबल कोट्स में p इन नेम, मतलब नेम के अंदर p है, जो p है तो रिटर्न ट्रू, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। तो हम यहाँ पे सी एच के वेल के अंदर देखते हैं, चलो सी एल एस वापिस पाइथन टू प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे ट्रू आ गया आपका, मतलब p है बराबर। यहाँ पे मैंने l लिखा, तो l है इसके अंदर, चलो वापिस पाइथन टू है प्रियंक पटेल, l है ओके। और क्या w लिख लेते हैं, w है इसके अंदर, तो देख लेते हैं, नहीं है तो फॉल्स आ गया, मतलब जो भी स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा, बराबर। उस तरह स्ट्रिंग कॉन्केटेशन, मतलब दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करनी है, जोड़ना है, तो आप कॉन्केट कीवर्ड यूज कर सकते हो। चलो कैसे, तो यहाँ पे मैंने फादर, यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले कमेंट दे देता हूँ कॉन्केट बराबर फादर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख लिया कौशिक भाई बराबर। अब दोनों का नाम मुझे कॉन्केट करना है, मेरा नाम और मेरे फादर का नाम कॉन्केट करना है, तो मैंने लिखा सी ओ एन वेरिएबल का नाम और नेम प्लस एफ ए टी एच ई आर, मतलब दो स्ट्रिंग हो जो डायरेक्ट आपको लिखना है, तो आप डबल कोट्स करके भी अटैच कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ दूसरी बार। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल को कॉन्केट किया, दो स्ट्रिंग वेरिएबल को कॉन्केट किया, और वो वेरिएबल मैंने प्रिंट कर लिया, तो सी एल एस ओके डन। और आप अलग से भी काम कर सकते हो, मतलब आप डायरेक्ट दो वेरिएबल प्रिंट कर, डायरेक्ट दो वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। देखा मैंने यहाँ पे प्रियंक, और वापस मैंने यहाँ पे कॉन्केट किया कौशिक भाई, वापस कॉन्केट किया पटेल बराबर। बट सबके आगे मुझे स्पेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो सारा का सारा नाम चिपका आएगा। चलो यहाँ पे मैंने कॉन्केट वेरिएबल यूज किया कॉन टू, तो यहाँ पे कॉन टू वेरिएबल प्रिंट करता हूँ। वापिस यहाँ से मैंने सी एल एस कर लिया, वापिस इसको रन किया, तो लास्ट में मुझे मिल गया प्रियंक कौशिक भाई पटेल ओके। तो ये था हमारा कॉन्केटेशन। उस तरफ स्ट्रिंग फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट क्या है और उसको फॉर्मेट में असाइन करना है, तो आप काम कर सकते हो कैसे। तो जैसे मैंने यहाँ पे, चलो पहले तो हम फॉर्मेट लिख लेते हैं बराबर। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक s1 वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने लिख लिया माय नेम इज प्रियंक बराबर, एंड आई एम अ, एंड कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में परसेंटेज डी करते हैं, परसेंटेज एस करते हैं, उस तरह हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट असाइन किया बराबर। और बाद में आप उसको उसके अंदर आप डायरेक्ट लिख सकते हो या कोई वेरिएबल। चलो मैंने यहाँ पे डी एस करके एक वेरिएबल बनाया और लिख लिया मैंने डबल कोट्स के अंदर डेवलपर बराबर, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, तो प्रिंट एस वन डॉट फॉर्मेट, और कौन सा फॉर्मेट असाइन करना है मुझे, तो यहाँ पे मैं डी एस लिख लिया, तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। चलो कहाँ पे है, इसको रन करना है बराबर, क्या आ गया एक मिनट, वापिस ये इसको बंद कर लो, नहीं ये वाला ओके सी एल एस, वापिस इसको एग्जीक्यूट करो, तो आ गया माय नेम इज प्रियंक आई एम अ डेवलपर ओके। अब आपको यहाँ पे दो वेरिएबल प्रिंट करवाना है, तो कैसे, मतलब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल प्रिंट करवाया यहाँ पे जो प्लेस कर्ली ब्रैकेट किया था, अब आपको दूसरा प्रिंट करवाना है, तो कैसे करोगे। तो चलो मैंने यहाँ पे लिख लिया माय ऑफिस नेम इज, और यहाँ पे वापस मैंने कर्ली ब्रैकेट कर लिया, मतलब एक प्लेस डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया ऑफ डबल कोट्स करके, यहाँ पे लिख लिया मैंने डेपल
ओके, और यहाँ पे डीएस के बाजू में कॉमा करके मैंने लिख लिया ऑफ, मतलब पहले कैलिब्रेटर के लिए पहला वेरिएबल, दूसरे कैलिब्रेटर के लिए दूसरा वेरिएबल, और वापस यहाँ पे मैंने सीएलएस किया, ओके, और वापस इसको एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे आ गया माय नेम इज प्रियंक, आई एम डेवलपर, माय ऑफिस नेम इज डेपल, आ गया। मतलब आपको जितने वेरिएबल प्लेस करने हैं उतने कर सकते हो, बराबर। नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर, मतलब आप इसके अंदर डबल कोट्स करना चाहते हो, साथ में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको प्रियंक डबल कोट्स में प्रिंट करना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास एक एरर जनरेट होगी, हो गई। मतलब डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स डिक्लेयर करोगे तो वो स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक ही रहेगी और ये यहाँ से टूट जाएगी, तो आपको इसको एस्केप करने के लिए आगे स्लैश करना पड़ेगा, बराबर, बैक स्लैश। तो यहाँ पे वो डबल कोट्स को एस्केप करेगा, मतलब इग्नोर करेगा और उसको प्रिंट के अंदर ले लेगा, तो प्रियंक डबल कोट्स के अंदर आ गया। दूसरा, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो, ओके, समझ में आ गया। चलो, ये सब तो बेसिक था। अब यहाँ पे फंक्शन, तो स्ट्रिंग मेथड्स के अंदर यहाँ पे है ट्रिम। ट्रिम का मतलब क्या है, तो आगे पीछे जो स्पेस आती है उसको रिमूव करना, बराबर। तो यहाँ पे ट्रिम, ओके, तो जो मैंने यहाँ पे ले लिया सरनेम, बराबर, डबल कोट्स में यहाँ पे लिखा मैंने स्पेस 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 पटेल स्पेस स्पेस स्पेस, बराबर। ट्रिम फंक्शन हर एक लैंग्वेज के अंदर आता है, इसके अंदर फंक्शन का नाम चेंज किया हुआ है, उसका नाम है स्ट्रिप, बराबर। तो यहाँ पे मैंने, चलो पहले आपको ये बता दूं कि इसकी लेंथ क्या है, तो यहाँ पे मैंने एलियन किया और यहाँ पे लिख लिया सरनेम, तो आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ क्या रहेगी, तो यहाँ पे 11 है। चलो, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, बराबर, या तो एस सरनेम टू करके एक वेरिएबल ले गया और यहाँ पे मैंने लिख लिया स्ट्रिप, बराबर, एस टी आर आई पी, बराबर, और उसके अंदर लिख लिया मैंने यहाँ पे सरनेम, और सरनेम टू को मैंने वापस लेंथ के साथ प्रिंट किया, लेंथ सरनेम, क्योंकि स्पेस रिमूव हो जाएगी तो लेंथ कम हो जाएगी उसकी। चलो, तो यहाँ पे मैंने वापस सीएलएस किया, तो यहाँ पे स्ट्रिप का फंक्शन ही नहीं मिल रहा है इसको। चलो देखते हैं आगे, ओके, हमने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर नहीं होगा वो, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा सरनेम डॉट स्ट्रिप, बराबर, ओके, मैंने पीएसपी के जैसे उसको डिक्लेयर कर लिया था, बराबर। तो यहाँ पे होगा सरनेम डॉट स्ट्रिप, मतलब आगे पीछे की स्पेस रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पे मैंने उसको वापस रन कर दिया सीएलएस, ओके, तो यहाँ पे देखो 5 हो चुकी, तब हमारी जो 5 कैरेक्टर है उसकी उतनी लेंथ बताई हमें और आगे वाली लेंथ बताई नहीं हमें, ओके। तो ये ट्रिम फंक्शन या स्ट्रिप फंक्शन था, बराबर, जो ट्रिम का काम करता है, ओके, स्ट्रिप, STRIP, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं इसके अंदर, ओके, या ट्री अपर केस लोअर केस, स्ट्रिंग को अपर करना है लोअर करना है, कोई रिप्लेस करना है, स्प्लिट करनी है, इज अपर इज स्पेस, बहुत सारे फंक्शन हैं, इसको हम अलग से वीडियो बना के देखेंगे, बराबर। ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इससे अच्छा तो यहाँ तक हम रखेंगे और इसके फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन करके एक नया अपलोड करेंगे, बराबर। यहाँ तक हमने समझा कि स्ट्रिंग क्या है और कैसे वर्क करती है, ओके। तो चलो, प्लीज़ आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक ठोक दो, और मेरी चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड नीचे एक सब्सक्राइब बटन आता है उसको दबा दो, बाजू में एक बेल आइकन आता है उसको भी दबा दो, और ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना जरूर, ओके, बाय बाय।